फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 29 शॉर्टलिस्ट फिल्मों में से इंडियन मूवी लापता लेडी को ऑस्कर के लिए एंट्री के लिए चुन लिया है। फुल इंग्लिश बोल के बता है। आई लव यू। अब FFI जूरी की चेयरमैन चानू बरुआ ने बताया कि उन्होंने किस वजह से लापता लेडीज को चुना। हमारा दोस्त है दीपक कुमार, तो रास्ता में इसकी बीबी खो गई। इस साल लोगों की फेवरेट फिल्म में से एक लापता लेडीज ने एक बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है। डायरेक्टर किरण राव ने इस फिल्म को इंडिया की तरफ से ऑस्कर 2025 के लिए ऑफिशियली एंट्री के तौर पर चुन लिया है। जानू बरुआ ने इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक इंटरव्यू में बताया कि जूरी को ऐसी फिल्म चुननी होती है जो कि सारे पैरामीटर्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करती हो, खास तौर पर इंडिया की सोशल सिस्टम और कल्चर को प्रेजेंट करे, और लापता लेडीज इस मामले में सबसे आगे रही। आमिर खान प्रोडक्शन जो कि प्रोड्यूसर है मूवी लापता लेडीज के, उन्होंने ऑफिशियली थैंकिंग नोट शेयर किया अपनी सोशल इंस्टाग्राम हैंडल पर। इस नोट पर उन्होंने लिखा था, हम लापता लेडीज को बेशुमार प्यार देने के लिए अपनी ऑडियंस, मीडिया और फिल्म कम्युनिटी के बहुत शुक्रगुजार हैं। लापता लेडीज के डायरेक्टर किरण राव ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक लंबा नोट शेयर करते हुए लिखा, ये ऑनर मेरी पूरी टीम की जीत और मेहनत का सबूत है जिसकी डेडिकेशन और पैशन ने इस कहानी को जिंदगी दी। इसके पहले भी कई मूवीज हमें ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेटेड होती हुई दिखाई थी, जैसे कि मदर इंडिया, सलाम, बॉम्बे, लगान, द लंच बॉक्स, गली बॉय और RRR जैसी कई मूवीज। आपका इस पर क्या कहना है? आपको लापता लेडीज मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ आपको क्या लगता है और कौन कौन सी मूवीज ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट हुई होगी या होनी चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये कौन है रे? ओ भाग। फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 29 शॉर्टलिस्ट फिल्मों में से इंडियन मूवी लापता लेडी को ऑस्कर के लिए एंट्री के लिए चुन लिया है। फुल इंग्लिश बोल के बता है। आई लव यू। अब FFI जूरी की चेयरमैन चानू बरुआ ने बताया कि उन्होंने किस वजह से लापता लेडीज को चुना। हमारा दोस्त है दीपक कुमार, तो रास्ता में इसकी बीबी खो गई। इस साल लोगों की फेवरेट फिल्म में से एक लापता लेडीज ने एक बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है। डायरेक्टर किरण राव ने इस फिल्म को इंडिया की तरफ से ऑस्कर 2025 के लिए ऑफिशियली एंट्री के तौर पर चुन लिया है। जानू बरुआ ने इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक इंटरव्यू में बताया कि जूरी को ऐसी फिल्म चुननी होती है जो कि सारे पैरामीटर्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करती हो, खास तौर पर इंडिया की सोशल सिस्टम और कल्चर को प्रेजेंट करे, और लापता लेडीज इस मामले में सबसे आगे रही। आमिर खान प्रोडक्शन जो कि प्रोड्यूसर है मूवी लापता लेडीज के, उन्होंने ऑफिशियली थैंकिंग नोट शेयर किया अपनी सोशल इंस्टाग्राम हैंडल पर। इस नोट पर उन्होंने लिखा था, हम लापता लेडीज को बेशुमार प्यार देने के लिए अपनी ऑडियंस, मीडिया और फिल्म कम्युनिटी के बहुत शुक्रगुजार हैं। लापता लेडीज के डायरेक्टर किरण राव ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक लंबा नोट शेयर करते हुए लिखा, ये ऑनर मेरी पूरी टीम की जीत और मेहनत का सबूत है जिसकी डेडिकेशन और पैशन ने इस कहानी को जिंदगी दी। इसके पहले भी कई मूवीज हमें ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेटेड होती हुई दिखाई थी, जैसे कि मदर इंडिया, सलाम, बॉम्बे, लगान, द लंच बॉक्स, गली बॉय और RRR जैसी कई मूवीज। आपका इस पर क्या कहना है? आपको लापता लेडीज मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ आपको क्या लगता है और कौन कौन सी मूवीज ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट हुई होगी या होनी चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये कौन है रे? ओ भाग।